वेलकम टू माय चैनल माजी वेटनरी। माजी वेटनरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल पर पशु पक्षी से संबंधित दवा को लेकर आते रहते हैं, उसके बारे में बताते रहते हैं कि वह काम कैसे करता है, उसका काम क्या है। इसी के साथ मैं हूं डॉक्टर अमित माझी, बाह्य पूर्व कर्मचारी, और मेरा चैनल माजी वेटनरी। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वेटर जी। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वेटर जी। वेटर जी एक बहुत ही अच्छी कंपनी की दवा है। बहुत ही अच्छी कंपनी का मतलब कंपनी तो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन वेटनरी के मामले में इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं नंबर एक के हैं। हर प्रोडक्ट इन्होंने चुनकर बनाया है। इस कंपनी का नाम है सुषमा फार्मास्यूटिकल। सुषमा द्वारा बनाई गई हर पशु की दवा बहुत ही अच्छी काम करती है। तो वेटर जी का यूज हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, इसका फार्मूला है क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट। क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट यह फाल की बहुत सी कंपनी की दवा आती है, लेकिन सबका काम देखा जाए तो अलग अलग है। लेकिन इस कंपनी की जितनी भी दवा है नंबर एक की है। यह 100 ml के वायल में आता है, 100 ml के वायल में आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसका यूज हम कब करते हैं, कैसे करते हैं? इसका प्रयोग हम हर बीमारी में करते हैं। एलर्जी हुआ, बुखार हुआ, गला घोटू, निमोनिया, फर्रा, कहीं पर भी दर्द, जुखाम, कहीं पर भी करते हैं, क्योंकि इसको हम रिएक्शन रोकने वाली दवा बोलते हैं, एलर्जी की दवा बोलते हैं। तो इसका प्रयोग हम हर जगह करते हैं, कहीं पर भी क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट या फेनिरामाइन मैलेट का प्रयोग करते रहते हैं। तो इसमें क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट है, और इसके पर एमएल में, इस इंजेक्शन के पर एमएल में 10 mg, कितना, 10 mg क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट मिला है, जो कि बहुत ही अच्छी एलर्जी की दवा है, रिएक्शन की दवा है। आप किसी भी दवा के साथ प्रयोग करिए, कोई दवा कोई नुकसान नहीं करेगा। अगर कोई दवा नुकसान करने वाला रहेगा, फिर भी उसको बचाएगा। इसलिए इसका प्रयोग हर जगह करते हैं। और इसकी मात्रा हम कितना यूज करते हैं, बड़े पशु में 10 से 15 ml, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 ml यूज करते हैं और सुरक्षित रहते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आज का कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आने वाले समय में इससे अच्छी अच्छी वीडियो हम आपको देते रहें। और अगर हमारे वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, जिससे हम आने वाले वीडियो में उसका सुधार कर सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय जवान, जय।